ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर अगर अपन बात करें बेटू, ब्रायोफाइटा के अंदर कितने डिवीजन बनाए बेटा, कितनी क्लास बनाई इसकी, दो, मोसेस और लिवरबर्ट। अपन बुढ़े बात की जनरली पहले ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, जल्दी बोलो, मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट। गैमेटो, बिल्कुल गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लोइड। हैप्लोइड मतलब एन, क्रोमोसोम कैसे होंगे, अनपेयर्ड। इसकी अगर बॉडी की बात करें, मतलब बॉडी मतलब थैलस, इसके अगर आप थैलस की बात करो गुड़िया, तो वो थैलस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये हार्ट तो नहीं है, पर गुड़िया बात करें आप ऐसा मान लो कि हाँ हार्ट जैसा ही, जो अपन आज के टाइम पे बना के चलते हैं, क्योंकि हार्ट कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का। ये गुड़े बात कर बॉडी मान लो, ठीक है। अगर अपन देखें बेटा बात करें यहाँ पर इस बॉडी में, ये बॉडी गुड़े बात कर किसी भी सब्सट्रेट से किसकी हेल्प से बेटा जुड़ी होती है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, ब्रांच बेटा बात कर राइजोइड। रूट तो होती नहीं है गुड़े बात कर, राइजोइड। आपको पता है जाइलम फ्लोएम होते हैं क्या बेटा बात कर ब्रायोफाइटा में, नहीं होते हैं। तो कहाँ से आते हैं जाइलम फ्लोएम, बेस्ट ब्लड टिश्यू, टेरिडोफाइटा से गुड़े बात कर ऐसे। तो ये गुड़े बात कर बॉडी कैसे होती है, डॉर्सी वेंट्रल। कई बार दीदी इरेक्ट बॉडी भी होती है इनकी, इसी बॉडी पर अगर सेकेंडरी बॉडी बन जाएगी तो वो सीधी इरेक्ट भी होती है, अदरवाइज डॉर्सी वेंट्रल होती है, मतलब सबसे से जुड़ी होती चपटी बॉडी होती है, थैलस बोलते हैं इनकी बॉडी को। इसके ऊपर गुड़े बात करें मेन प्लांट बॉडी है, क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल करता है गुड़े बात करें, वेजिटेटिव करता है, और गुड़े बात करें क्या करता है, सेक्सुअल भी करता है। मेन बात करना अपन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बात करें किसके द्वारा होगा, गैमिट के द्वारा होगा। गैमिट गुड़े बात करें कहाँ बनेगी बेटा बात करें, जल्दी बोलो, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। सेक्स ऑर्गन मतलब एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो वो गुड़े बात कर ये होता है, जो कैसा होता है बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो, मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड, मल्टी सेलुलर जैकेटेड गुड़े बात कर सेक्स। इसका नाम है एंथेरिडियम, क्या नाम है, एंथेरिडियम। दूसरा बेटा बात कर सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है गुड़े बात, जल्दी बोलो, ये भी मल्टी सेलुलर गुड़े बात कर होता है, इसको अपन बेटा बात कर क्या बोलते हैं, ये दोनों सेक्स ऑर्गन है। सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर जैकेटेड मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं, कवर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैकेटेड मतलब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। एंथेरिडियम अगर ये है तो ये गुड़े बात कर फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम है आर्किगोनियम, क्या बोलते हैं इनको, आर्किगोनियम गुड़े बात करें। हिंदी में बोलते हैं मैडम पुंधानी, और हिंदी में इसको बोलते हैं आर्किगोनियम को स्त्रीधारी, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, स्त्रीधानी और पुंधानी। एंथेरिडियम गुड़े बात करें है कौन, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट मतलब हैप्लोइड बॉडी, तो इसका मतलब सेक्स ऑर्गन भी कैसे मैडम, हैप्लोइड ही होंगे। सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमेट बनेंगे, जो गुड़े बात गैमेट बनेंगे तो एंथेरिडियम के अंदर बन रहे, मतलब बेटा एंथेरिडियम की सेल से ही बनेंगे, तो हैप्लोइड सेल से गुड़े गैमेट बनाना तो क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेटली माइटोसिस ही होगा। तो बेटा बात करें यहाँ पर एंथेरिडियम की सेल के द्वारा गुड़े बात करें क्या बनेंगे बेटा बात करें, गैमेट बनेंगे, मतलब क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोफाइट नाम क्यों दिया, क्योंकि गैमेट बनाती है ये बॉडी, गैमेट कहाँ बनेंगे, सेक्स ऑर्गन में। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं गैमेटोफाइट के, दो होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम गुड़े बात करें। बॉडी कैसी है, हैप्लोइड, और गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लोइड। हैप्लोइड बॉडी से हैप्लोइड गैमेट बनाने तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। ये गुड़े बात करें आपके पास यहाँ पर बायफ्लैजिलेटेड गुड़े बात करें क्या बनेगा, बायफ्लैजिलेटेड बेटा बात करें पियर से बायफ्लैजिलेटेड गुड़े बात करें हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ बेटा बात करें मेल गैमेट बनेगा। गैमेट कैसा है, हैप्लोइड। कैसा गैमेट है, हैप्लोइड गुड़े बात करें। एक बड़ा सा आर्किगोनियम के अंदर गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा, हैप्लोइड ही एग सेल बनेगी, पर वो कैसी होगी गुड़े बात करें, लार्ज नॉन मोटाइल गुड़े बात करें। मेल गैमेट कैसा होगा, स्मॉल मोटाइल। पर फर्टिलाइजेशन के लिए गुड़े बात करें, मतलब मेल गैमेट को, मेल गैमेट मतलब एंथेरोजॉइट, क्या नाम है इसका, एंथेरिडियम में बना, एंथे गुड़े बात करें, एंथेरो एंथेरियो एंथेरोजॉइट एंथ्रोजॉइट या जू कभी आ गया मतलब समझ जाना, फ्रेजिला है, चलने के लिए गुड़े लोकोमोशन करेगा गुड़े बात करें। अच्छा इनकी बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, बटर की। बटर बेटा बात करें के द्वारा, ये जो मेल गैमेट है बटर के द्वारा, ये जो मेल गैमेट है गुड़े बात करें एंथेरियम से निकल कर कहाँ जाएगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो, आर्किगोनियम में, आर्किगोनियम के मुंह तक पहुंचेगा पानी, उसको अंदर छोड़ देगा। तो गुड़े बताओ किसके कॉन्टेक्ट में कौन आ गया, किसके कॉन्टेक्ट में, जल्दी बोलो किसके कॉन्टेक्ट में गुड़े बात करें, एक्सेल के कॉन्टेक्ट में कौन आ गया आपका,
एंथीरोजॉइड। बुढ़े बात करें ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, जूडियोगेमी। जूडियोगेमी का मतलब क्या है बेटा बात करें, फर्टिलाइजेशन। ये बेटा बात करें क्या, ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफर। और बेटा मेल गैमिट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट बुढ़े बात करें फ्रॉम एंथीरिडम टू आर्किगोनियम। बुढ़े बात करें किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर इज बुढ़े बात करें मोर एसेंशियल फॉर बेटा बात करें फर्टिलाइजेशन। तो वाटर की हेल्प से अगर बुढ़े बात करें गैमिट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जूडियोगेमी। वाटर ये वाली कंडीशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, एल्गी में भी मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, ब्रायोफाइटा में देख ही रहे, और कहाँ मिलेगी, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों को समझ रहे, इतना याद रखते जाना आप, दोनों को ही समझ रहे। माना टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी बुरा गैमेटोफाइटिक नहीं है, इस वहाँ स्पोरोफाइटिक है, लेकिन वहाँ भी जो बुरा गैमेटोफाइट है वो बुरे फ्री लिविंग है, वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है, फोटोसिंथेटिक है, स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं है, खाने के लिए, ना रहने के लिए ना खाने के लिए बुरे बात करें, अपना फ्री लिविंग बुरे बात करें कि फॉर्म में रहती है। तो और सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन चाहे ब्रायोफाइटा पर हो चाहे टेरिडोफाइटा, सेक्स ऑर्गन बनेंगे कहाँ पे, गैमेटोफाइट पर, क्योंकि गैमेटोफाइट में बनने क्या है, गैमेट। तो यही दीदी बात कर वहां होने वाला है सब कुछ, यही मतलब ये आप दोनों का साइकिल पढ़ रहे हो, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा बुढ़े बात करें, ठीक है। तो मेल गैमेट वहां भी एंथीरोजॉइड एक्सेल, वहां भी फीमेल गैमेट एंथीरिडियम आर्किगोनियम, वहां भी सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है बुढ़े बात करें, ये वाली कंडीशन है। तो जूडियोगेमी हो गया, जैसे बेटा बात करी दोनों आपस में मिलेंगे बुढ़े बात करें, इनके मिलने से क्या बोले, इनके मिलने को फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, जिसको बुढ़े बात का अपन सिनगेमी बोल रहे हैं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन सिनगेमी बुढ़े बात कर। और क्या बनेगी, पहली डिप्लॉयड सेल बनेगी जिसका नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है मैडम, जाइगोट। जाइगोट बुढ़े बात करें सिंगल सेल है, जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। इसके अंदर बेटा बात कर क्या होगा, सक्सेसिव माइटोसिस होगा, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन बुढ़े बात करें। तो फिर क्या होगा, एक से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से सोलह सेल, ऐसा बुढ़े बात कर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा मैडम, एम्ब्रियो। जब तक सेल बन रही है तब तक ये एम्ब्रियो है, भ्रूण है, अंडे। और बुढ़े बात करें एंथीरोजॉइड एक्सेल, एंथीरोजॉइड की दीदी बात करें, अच्छा हिंदी में एंथीरोजॉइड को बेटा बात करें, इसको पुंधानी तो ये कहलाता है पुमंडू, पुमंडू बुढ़े बात करें, समझ पा रहे, पुमंडू या पुमंड जो भी बात करें बोलो वो बोल सकते हो। एक्सेल को दीदी अपन बोलते हैं अंडा बोल देते हैं, समझ पा रहे, ये कंडीशन है। तो पुमंडू एक्सेल मतलब एक तक कैसे पहुंचेगा, एंथीरोजॉइड एक्सेल तक कैसे पहुंचेगा, पानी की हेल्प से, जूडियोगेमी बोला, दोनों मिलेंगे, फ्यूजन बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दिया, सिनगेमी बुढ़े बात कर बोल दो। साथ में बेटा बात करें पहली जो हमारे पास बेटा बात करें फर्स्ट सेल ऑफ बुढ़े नेक्स्ट जनरेशन जो बनी वो क्या है बेटा बात करें, जाइगोट। याद है अपन जाइगोट को क्या बोलते हैं बेटा बात करें, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बुढ़े बात कर टू सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एनी वन स्पीसीज। किसी भी एक जाति के अंदर बुढ़े बात कर दो जो दो पीढ़ियों को जोड़ने की दीदी बात का जो स्टेज होती है, दो पीढ़ियों को जोड़ने का दीदी काम जो सेल करते हैं उसका नाम क्या होता है, जाइगोट। क्योंकि जाइगोट के बाद मेरा जनरेशन होगा और जाइगोट का दीदी फॉर्मेशन माँ बाप मतलब दीदी बात कर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के गैमेट से हुआ है। गैमेट तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, ये तो दीदी बात कर पता पेरेंट्स की सेल है, इनके जब फ्यूजन हुआ तो बुढ़े जाइगोट बना। अब ये पेरेंट्स की सेल नहीं, अब ये दीदी बात कर मेरी सेल आई, तो मेरी पहली सेल है, इससे मेरा डेवलपमेंट होगा। अच्छा बुढ़े बात कर लगातार माइटोसिस क्यों किया, 2N से 2N बनाना था, हर एक सेल अगर माइटोसिस करते तो एक से दो सेल बनेंगे तो भी बेटा बात करें, अगर ये 2N है तो इसकी भी सेल 2N रहेगी, दो से चार, चार से आठ, हर एक सेल कैसी है, 2N 2N डिप्लॉयड डिप्लॉयड। जब तक सेल बन रही है तब तक वो एम्ब्रियो है, सेल बन चुकी बेटा पूरी और बुढ़े बात करें सेल ने क्या कर दिया, डिवीजन बंद कर दिया और बुढ़े बात का डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब बेटा बात करें फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब बुढ़े इसको अपन बोलेंगे बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो बुढ़े बात करें, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते बेटा बात करें क्या, स्पोरोफाइट। क्या बोलते बेटा बात करें, स्पोरोफाइट। तो ये बनी बुढ़े बात करें क्या, नई बेटा बात करें स्पोरोफाइट बुढ़े बात करें स्टेज, मतलब गैमेटोफाइट पर पैदा होगा स्पोरोफाइट पर। स्पोरोफाइट यदि अभी तो बना है तो स्पोरोफाइट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट मतलब बुढ़े जैसे अपने देखा हम मम्मी के अंदर बनते कि नहीं बनते, मम्मी के अंदर का उनके यूट्रस में हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, जाइगोट बन जाता है दीदी बात करें एम्पोलरी स्टमक जंक्शन फेलोपियन ट्यूब पर, फिर वहां से हम खसक खसक की यूट्रस में आ जाते हैं बुढ़े बात कर, समझ पा रहे हो, किस तक बुढ़े बात कर, याद है ब्लास्टोसिस्ट तक। और ब्लास्टोसिस्ट में हमारा क्या होता है, इम्प्लांट होता है मदर की यूट्रस के साथ, फिर बाहर डेवलपमेंट पूरा चलता रहता है। वैसे यहां पर एम्ब्रियो की कहानी है बुढ़े बात करें, एम्ब्रियो जब तक सेल बन रही तब तक वो एम्ब्रियो है, फिर बुढ़े बात करें वो फंक्शन जैसे हमारे अंदर ऑर्गन बन जाते हैं फिर फंक्शन करने लगते हैं। तो स्पोरोफाइट जैसे ही बनेगी वो स्पोरोफाइट बेटा बात करें टूट जाएगी। अब मुझे बनाने यहीं पर है लेकिन जगह है नहीं तो मैं यदि बात हल्का सा यहां बना देता हूं। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएशन के बाद तीन बेटा बात करें पता स्ट्रक्चर बनाती है, सबसे पहले बनाएगी बुढ़े बात करें क्या, कैप्सूल। उसके बाद बुढ़े बात करें क्या बनाएगी हमारे पास, सीटा।
उसके बाद क्या बनाएगी, फुट। तो फुट, सीटा और कैप्सूल, तीन बीटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। किसमें? कैप्सूल दीदी बात करें सीटा और बेटा बात करें फुट, मतलब स्पोरोफाइट में इस तरीके से दिखाई देगी। ये कौन है बेटा बात करें? कैप्सूल। कैप्सूल क्यों बोला? क्योंकि स्पोरोफाइट की वो स्टेज है जहां बेटा बात करिए क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट के बाद बेटा बात करें, अच्छा स्पोरोफाइट की पहली स्टेज का नाम क्या है? कैप्सूल। दूसरा गुड़े बात करें, ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, ये है गुड़े बात करें सीटा। क्या बोलते हैं इसको? सीटा नहीं, सीटा। और नेक्स्ट गुड़े बात करें हमारे पास, जो इसको बेटा बात करें हमारे पास क्या करेगा, सब्सट्रेट प्रोवाइड करेगा, उसको अपन बोलते हैं फुट। जैसे हमें चलने के लिए गुड़े बात करें कौन हेल्प करता है? फुट करते हैं। तो ये फुट है, ये गुड़े बात करें सीटा है, और ये क्या है? कैप्सूल है। तो स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होगा बेटा बात करें थ्री पार्ट में, कैप्सूल, सीटा, फुट। पर अपन बोलते गुड़े बात करें अपन क्या कह रहे थे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना। क्या गैमेटोफाइट ने अपने अंदर स्पोरोफाइट बना दिया? बिल्कुल बना दिया सर, गैमेटोफाइट ने गुड़े बात करें, बिल्कुल गैमेटोफाइट ने क्या बनाया, गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरो गुड़े बात करें क्या, फाइट बनाया। गैमेटोफाइट कैसा था? एन। और स्पोरोफाइट कैसा बना? 2N। क्या आपको 2N दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जायगोट में लगातार माइटोसिस किया और 2N बॉडी बनाई आपने, देखो ना उठा के, चाहे किसी कैप्सूल की एक भी सेल देख लो, 2N। कैसे बना? गैमेटोफाइट ने पहले बनाया क्या? गैमेट, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गुड़े बात करें गैमेट बना, इसलिए बोलते गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के अंदर क्या हुआ? फ्यूजन। तो क्या बना बेटा बात करें? जायगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट की बात करें है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट गुड़े बात कर रिसेसिव फेज, नॉट डोमिनेंट, रिसेसिव, बिकॉज इट डिपेंड ऑन गुड़े बात करें देयर शेल्टर एंड बेटा बात करें क्या, फूड। ये अपने गुड़े बात करें शेल्टर और फूड, खाने के लिए और बेटा बात कर रहने के लिए, किस पे डिपेंड करता है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। तो स्पोरोफाइट बेटा बात करें इस डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर बेटा शेल्टर एंड फूड, समझ पा रहे? ये गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। स्पोरोफाइट अगर बेटा बात करें आपने देखा तो वो किसके ऊपर पैदा हुआ? गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट पे रह रहा है, फूड ले रहा है, गुड़े बात कर समझ पा रहे, और आराम से जीवन भी सुरक्षित कंडीशन में गुजार रहा है। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट किसमें होता है बेटा बात करें, ये जरूर याद रखना आपको, ये तीन बॉडी पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। कैप्सूल, कैप्सूल को गुड़े बात करें स्टेट से, मतलब गैमेटोफाइट पे जोड़ के रखने का काम कौन करेगा? गुड़े बात करें वो करेगा बेटा बात करें कौन? फुट। और फुट को गुड़े बात करें कैप्सूल से जोड़ने का काम, या कैप्सूल को फुट से जोड़ने का काम कौन करेगा? सीटा। कौन करेगा? सीटा। तो गुड़े बेसिक स्ट्रक्चर मान लो कि ये लीफ है, ये स्टेम और ये रूट है, ठीक है। गुड़े बात करें प्लांट में मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन होता है? लीफ। तो यहां दीदी बात करें मेन जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का वो कैप्सूल है। कैप्सूल को दीदी बात करें गैमेटोफाइट पे जोड़ने का काम करेगा फुट, और फुट को दीदी कैप्सूल जोड़ने का काम कौन करेगा? सीटा। तो तीन बेटा बात करें पार्ट होते हैं, कैप्सूल, फुट, सीटा। फिर आपने कहा सर गैमेटोफाइट अल्टरनेशन जनरेशन की बात करनी है, कि अगर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बना रहा है तो स्पोरोफाइट का भी तो ये दायित्व बनता है कि वो नए गैमेटोफाइट को बनाए। बिल्कुल बनता है, तभी तो अल्टरनेशन जनरेशन बोलेंगे। तो स्पोरोफाइट सर कैसे बनाएगा गैमेटोफाइट? पहले स्पोरोफाइट को गुड़े बात करें मियोसिस के द्वारा स्पोर बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बनाएगा स्पोर, क्यों नहीं बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर बनाना है। गुड़े बात करें कैसे होगा? डिप्लॉइड से अगर मुझे बेटा हैप्लॉइड बॉडी बनाना है क्या करना पड़ेगा? मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। गुड़े बात कर, और यहाँ पर एनसीएन बनाया था बेटा बात कर, तो क्या किया था आपने? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ये तो मोटी मोटी चीज़ अपन एक मिनट में बोल देते, लेकिन रियल में अगर अपन देखें तो कैसे देखो डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की बात कर, ये तुम याद रखना बेटा बात करें, मैं आपको डायग्राम पे कौन सी चीजें दिखा रहा हूं जो पूरी आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बोल रही है। ये आपको अगर आपने डायग्राम नहीं देखा तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से रीड करने की जरूरत है, आपको सोचने तक की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से दिमाग में सब कुछ आ गया। गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम आर्किगोनियम के अंदर गुड़े बात करें एंथ्रोजॉइट गैमेट और गुड़े बात करें एक्सेल के दीदी बात कर समझ पा रहे अंदर जूडियो गैमेट के द्वारा ट्रांसफ्यूजन करा दिया। गुड़े बात करें जायगोट एम्ब्रियो गुड़े बात करें माइटोसिस माइटोसिस चल रहा है और स्पोरोफाइट बना दिया। स्पोरोफाइट बनने के बाद डिफरेंशिएट हुई बॉडी, तो बॉडी बन गई फुट सीटा कैप्सूल में। कैप्सूल इज अ गुड़े बात करें मेन स्पोर प्रोड्यूसिंग बेटा बात करें ऑर्गन, स्पोर का प्रोडक्शन, स्पोर प्रोड्यूशन, मतलब मेन बॉडी तो कैप्सूल ही है बेटा बात करें स्पोरोफाइट की, ठीक है। पर डिफरेंशिएट होता है तीन पार्ट में, स्पोर गुड़े बात करें प्रोडक्शन कहां पर होगा? स्पोरोफाइट में होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? स्पोरोफाइट गुड़े बात करें हमारे पास लीफी स्ट्रक्चर है, तो इनको अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें क्या, ऐसा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर होते स्पोरेंजिया गुड़े बात करें, लेकिन वो बात यहां नहीं आती, वो अपन टेरिडोफाइटर से बात करेंगे। तो अपन ऐसा कह रहे गुड़े बात करें कैप्सूल के अंदर क्या मिलेगी बेटा बात करें? स्पोर प्रोडक्शन होना है। कैसे करोगे स्पोर प्रोडक्शन बेटा बात करें? ये तो तुम्हें करना है। स्पोर गुड़े बात कैप्सूल के अंदर मिलेगा आपको क्या? स्पोर मदर सेल। क्या मिलेगा बेटा बात करें? स्पोर। स्पोर है, आपने अभी तो कहा जायगोट में डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में लगातार डिवीजन हुआ, स्पोरोफाइट बना, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर क्या है? बहुत सारी सेल है, सेल ही सेल तो है।
लेकिन हर एक सेल क्या है बेटा बात करें, हर एक सेल गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, हर एक सेल बेटा बात करें 2n है, 2n है, 2n है, 2n है, 2n है, जो भी सेल देखो आपको पता है सब माइटोसिस से बना है बेटा। तो जाइगोट जैसी ही प्लॉयडी है, डिप्लॉयड है हर कोई, कौन है बेटा बात करें, डिप्लॉयड। इसका मतलब गुड़े बात करें कैप्सूल के अंदर क्या है, हर एक सेल डिप्लॉयड है। कैप्सूल की वो सेल जो स्पोर बनाए वो कहलाएगी स्पोर मदर सेल, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने की बेटा बात कर सेल को अपन क्या बोलते, मदर सेल, और जो बनते उनको अपन क्या बोलते, डॉटर सेल। तो स्पोर तो डॉटर है पर किसके, स्पोर मदर सेल के। तो गुड़े बात करें जो कैप्सूल के अंदर बेटा बात करें उसकी स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल मतलब जो कैप्सूल की सेल है, हर एक सेल कैसी है, 2n डिप्लॉयड, के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो क्या बनेगा गुड़े बात करें, एक स्पोर गुड़े मदर सेल से गुड़े बात करें चार बेटा बात करें क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अच्छी चीज ये है कि गुड़े बात के यहां अभी तक एक ही टाइप के स्पोर होते हैं, तो होमोस्पोरस कंडीशन है, हेटरोस्पोरस कंडीशन आपको गुड़े बात करें कहां से मिलेगा, टेरिडोफाइटा से देखने को मिल जाएगा। ये भी एन 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 एन, एक सेल अगर डिवाइड हुई तो चार बेटा स्पोर बनेंगे, दो सेल हुई तो आठ बनेंगे, ऐसे बहुत सारे मेनी स्पोर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो स्पोरोफाइट के अंदर दीदी बात करें क्या बनता है, स्पोर बनता है, पर आपको रियल में पता चला स्पोरोफाइट में भी कहां पे, कैप्सूल में। स्पोरोफाइट में गुड़े का स्पोर कहां बनते हैं, कैप्सूल में। स्पोरोफाइट की जो मेन बॉडी वो दीदी बात करें कैप्सूल है, कैप्सूल की जो हर एक सेल है उसको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, जो मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाएगी, स्पोर, क्योंकि मुझे डिप्लॉयड से क्या बनाना बेटा बात करें, हैप्लॉयड बॉडी को बनाना, तो मुझे मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। मियोसिस की जगह वो कई बार बोल देता है मियोटिक, मियोटिक। तो चाहे दीदी बात कहें सिस बोले चाहे टिक बोले फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मियो वर्ड चाहिए मुझे, मियो। जैसे माइटोसिस को भी कई बार बोलते हैं माइटोटिक, माइटो होना चाहिए, अब वो चाहे सिस जोड़ो चाहे आप टिक जोड़ो, माइटोसिस या माइटोटिक, पर माइटो है तो वो गुड़े बात करें पता है मतलब क्या है, समसूत्र विभाजन, इक्वेशनल डिविजन है, मतलब जो पेरेंट के अंदर गुड़े बात क्रोमोसोम होंगे वही डॉटर सेल में क्रोमोसोम आएंगे। लेकिन अगर मियो आ गया, मियो मतलब रिडक्शनल डिविजन, मियो मतलब क्या है, रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे डॉटर सेल में। जो भी गुड़े बात के पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उससे आधे कहां पर आएंगे, डॉटर में, वो मियो है, मियोटिक मियोसिस। और माइटोटिक मतलब, माइटो मतलब क्या है, गुड़े बात कर इक्वेशनल डिवीजन, जो बेटा बात कर पेरेंट में क्रोमोसोम होते हैं अगर डॉटर बनती हैं गुड़े बात कर, तो डॉटर में भी क्रोमोसोम का नंबर क्या आएगा, 2n 2n ही आएगा, सेम ही आएगा, ये 2n है तो ये भी 2n आएगी, ये भी 2n, इस तरीके से याद रखो। तो गुड़े बात कर स्पोर से क्या बन गया, गैमेटोफाइट। फिर से तो बताओ गैमेटोफाइट ने क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट ने क्या बना दिया, गैमेटोफाइट। पर इसको बेटा याद रखना, डोमिनेंट फेज, डोमिनेंट फेज, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, खाना खुद बना रही है, किसी के ऊपर रहती नहीं, खुद रहती है। डोमिनेंट फेज, फोटोसिंथेटिक फेज, फ्री लिविंग गुड़े बात करें। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर फूड एंड शेल्टर, नॉट बेटा बात करें फ्री लिविंग गुड़े बात करें, डिपेंडेंट फेज, रिसेसिव फेज गुड़े बात करें, समझ पा रहे, पर स्पोर प्रोड्यूसिंग फेज ये है। तो गुड़े बात किस तरीके से हो जाएगा, यही बात अपन को कहां पर करनी है गुड़े बात करें, टेरिडोफाइटा में। बस टेरिडोफाइटा में अगर कुछ बदलने वाला है दोस्त, तो ये बदलने वाला है कि ये गुड़े डोमिनेंट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डोमिनेंट, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है गुड़े बात करें, डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, वो गुड़े बात करें वहां पर डिपेंड नहीं करेगी, किस पर, गैमेटोफाइट पर। तो आप बोलोगे सर ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं है, तो इस पर डिपेंड करेगी। आप कह रहे हैं टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट गुड़े बात करें डोमिनेंट नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा गुड़े बात करें डिफ्रेंशिएटेड रहती है, समझ पा रहे, अच्छी विकसित बॉडी है। लेकिन गुड़े बात के वहां गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि अपना खाना खुद बनाती है, फ्री लिविंग गुड़े बात के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वहां गुड़े बात का डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, लेकिन गुड़िया जो गैमेटोफाइट है वो भी डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है। क्या बेटा बात करें, फ्री लिविंग, ये अपन बात पहले कर चुके हैं। आपको भी ये पिक्चर दी समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बात समझ पा रहा हूँ। ये बेटा बात करें क्या बनाया मैंने, पूरी बॉडी बना दी गैमेटोफाइट, ये राइजोइड बना दिया बेटा बात करें, क्या बना दिया, एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, गुड़िया बात यहाँ लिख रखा है सेक्स, गुड़िया बात करें ऑर्गन जो कि मल्टी सेलुलर, बीच में लिख रखा है सेक्स ऑर्गन दोनों को, गुड़िया बात करें दोनों सेक्स ऑर्गन है, ये मेल वो फीमेल, ठीक है। गैमेटोफाइट के नीचे लिखा है मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक बियर सेक्स ऑर्गन, ये लिखा है। फिर गुड़िया बात के देखो बगल में लिख रखा है, फिर भी चैन नहीं आया क्योंकि बहुत इंसर्टेंस पे बात की है। गैमेटोफाइट गुड़िया डोमिनेंट फेज है, समझ पाए, प्रभावी अवस्था होती है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, ठीक है, गैमेट प्रोड्यूसिंग है, समझ पाए, तो गैमेट प्रोड्यूसिंग मेन प्लांट बॉडी है। यहाँ कुछ लिखा है दीदी, ब्रायोफाइटा गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, एंथ्रिडियम और एक्सेल में दोनों में फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में गुड़े बात करें माइटोसिस किया, समसूत्री विभाजन तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में गुड़े डिफरेंशिएशन हुआ, स्पोरोफाइट बना, गुड़े बात करें समझ पा रहे, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर है पर नॉन फोटोसिंथेटिक है, रिसेसिव फेज है और नॉन फ्री लिविंग है, मतलब स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। अच्छा गुड़े बात स्पोरोफाइट अंग्रेजी वाले एरो पे लिख रखा है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, गुड़े बात करें गैमेटोफाइट मतलब जो डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है, गुड़े बात करें तो स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फेज फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड बेटा बात करें शेल्टर, अपने आवास के लिए। नेक्स्ट गुड़े बात करें लिखा है,
स्पोरोफाइट जो बुढ़े बात कर रहे हैं, समझ पा रहे? स्पोरोफाइट के अंदर क्या मिलेगा? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बुढ़े ऑफ स्पोरोफाइट मियोसिस डिवीजन करेगी और क्या करेगी बेटा बात करें, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। क्या बना रही है? हैप्लॉइड स्पोर बना रही है, समझ पा रही? ये बुढ़े बात के जो स्पोर है वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगी बेटा बात के, फिर से गैमेटोफाइट। आपने वही तो किया, बुढ़े बात के स्पोरोफाइट अगर स्पोर बना दी तो स्पोर के अंदर क्या होगा? जर्मिनेशन। जैसे गैमेट फ्यूज होते हैं और स्पोरोफाइट बनाते हैं, वैसे स्पोर बुढ़े बात करें जब बेटा बात करें बन गए तो मिट्टी में गिरेंगे और फेवरेबल कंडीशन जहां नमी होगी, मॉइस्चर होगी बेटा बात करें, साथ समय न्यूट्रिशन होगा उस मिट्टी में, वहां जर्मिनेट कर जाएंगे और क्या बना देंगे आराम से बेटा बात करें गैमेटोफाइट। तो जर्मिनेशन करा देना इनका, मतलब इनके अंदर फिर से क्या करा दो? माइटोसिस बुढ़े बात का, और क्या बना दो? गैमेटोफाइट बना दो। तो बुढ़े बात के वो सारी चीजें लिख रखी। नेक्स्ट लिखा है स्फेग्नम पीट मॉस कहलाता है, यूज इसका एज अ फ्यूल है बुढ़े बात के, समझ पा रहे? और ऐसा बेटा बात के पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसप्लांट ऑफ लिविंग बुढ़े बात का सब्सटेंस, ये कंडीशन है। नेक्स्ट बुढ़े बात के लिखा है, अब आते हैं लिवर बर्ड पर। तो जो आपने कहा था कि ब्रायोफाइटा की टू टाइप है, एक तो लिवर बर्ड, दूसरा क्या बेटा बात करें? मॉसिस। लिवर बर्ड में बुढ़े बात करें देखें तो रिप्रोडक्शन की बात करो, देखो पहले लिवर बर्ड का मैंने एग्जांपल क्या बोला था आपसे? मार्केशिया। क्या कहा था? मार्केशिया। पूरे बात करें बॉडी कैसी है लिवर बर्ड की, ऐसे ही देखो आपको दिख रही है थायरॉइड डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल मतलब ये ऊपर देख रहा है वो डॉर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल है। ऊपर देख रहा है दीदी बात करें वो पृष्ठ है, नीचे आधार, तो पृष्ठ आधार ही या डॉर्सी वेंट्रल बॉडी है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आई होगी। एसेक्सुअल बेटा बात का जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे बात करें भी तुम्हें दिख रखा है, पूरे बात करें कैसे द्वारा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। और बेटा बात करें जेमा कप फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि अगर गुड़े बात करें इसको इतना सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। आपको पता है गुड़े बात में छोटा छोटा पूरी बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगी और जो गुड़े बात करें जो छोटी बॉडी है वो अपने आप में फेवरेबल कंडीशन पे आने के पूरी बॉडी फिर से बना लेगी। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता ही होता है कि अगर ये बॉडी है बेटा बात कर, ये अगर दो पार्ट में टूट जाए तो ये छोटा वाला पार्ट डेवलप होकर फिर पूरी बॉडी बना देगा और जो इधर का छोटा सा पार्ट था वो डेवलप होकर फिर पूरी बॉडी बना देगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। गुड़े बात कर जब बॉडी के अंदर बेटा बात करें, बॉडी के अंदर क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़े हो जाए और हर एक टुकड़ा गुड़े डिवीजन करके क्या बनाए? पूरी बॉडी बनाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। दूसरा लिखा बेटा जेमा कप। अच्छा जेमा कप गुड़े बात कर, देखो लिखा है गैमी या फिर जेमा गुड़े बात कर, ये कहां पैदा होता है? गुड़े जेमा कप में। और जेमा कप गुड़े बात कर कैसा होता है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल गुड़े बात कर बर्ड होती है जो थैलस पर बनती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं गुड़े कि अगर यही है पूरी बॉडी गैमेटोफाइट, इसको दीदी अगर लगता है कि मुझे अरे तो मुझे बताना, तो बोल रहा हूं ना, अभी निपट गया क्या? थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, उसी के लिए तो आ रहे थे अपन। क्या बोलना चाह रहे बेटा बात कर, हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आ गया, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? बॉडी का छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना और हर एक फ्रेगमेंट का डिवीजन करके फिर से बराबर बॉडी बना लेना। जैसे प्लेनेरिया में पढ़ा था ना अपन ने, प्लेनेरिया के अंदर गन्ने के अंदर करते हैं ना, गन्ने के छोटे टुकड़े कर लेते हो, एक टुकड़े को लगा दो पूरा गन्ना बन जाता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। क्या है वो? कायिक प्रजनन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं मैडम? अब अगर दीदी बात करें पता है, ऐसा काम ना हो कभी गुड़े, अपने हाइड्रा में देखा छोटी सी बर्ड बन जाती है, बर्ड हाइड्रा में क्या होता है? बड़ बनता है। तो बड़ा यहाँ बड़ की जगह पर इसको क्या बोलते हैं? जेमा कप। तो जेमा कप कुछ है नहीं अलग से गुड़िया बात करें, ये मार्केशिया है, माने ये मार्केशिया की मेन बॉडी है, इसको हम बोलते हैं थायरॉइड, समझ पा रहे? गैमेटोफाइट। अब इसके अंदर बेटा बात करें क्या हो जाए गुड़िया बात करें, ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर बन जाए। जैसे हाइड्रा ये है, हाइड्रा की बॉडी है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। जब उसको अपने नया हाइड्री बनाना होता है छोटा बच्चा, तो वो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, जितने क्रोमोसोम है इसके अंदर माना वो क्रोमोसोम को आधा करेगा, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोगैमी, एक न्यूक्लियस से क्या बनाता है? दो न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा, पूरा नहीं करेगा, अगर पूरे को आधे पार्ट में टूटे तो ये बाइनरी, दो गुड़े बात का ये क्या है? बाइनरी डिवीजन है, बाइनरी फिजन है। लेकिन ये क्या करता है कि एक न्यूक्लियस को छोटे से साइटोप्लाज्म के साथ अलग कर देता है, बात समझ पा रहे? और कुछ समय बाद गुड़े बात के इसको बॉडी के आउटर की तरफ खसकाता जाएगा, तो कुछ समय बाद बेटा बात का आपको ऐसी बॉडी दिख जाएगी, ये वाली बॉडी दिख रही है आपको ये, और फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उसको अपनी बॉडी से क्या कर देगा? धीरे धीरे अलग करता जाएगा, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी बॉडी बनती जाएगी, दिख रहा है आपको? पूरी अलग कर चुका है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर यहां से भी अलग कर देगा तो ये जमीन में गिर जाएगी, और फेवरेबल कंडीशन आने पर फिर ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, माइटोसिस करके अपनी पूरी बॉडी को फिर से अपने पेरेंट्स की तरह बना देगा, ठीक है? ऐसे यहां होता है। अब यहाँ बेटा बात का अपन एनिमल में हाइड्रा में बोलते बडिंग, ईस्ट में बोलते बडिंग, वहां मार्केंसे में बोलते इसको बेटा बात का जेमा कप। क्या बोलते हैं? जेमा कप का मतलब यदि बात करें वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर जहाँ छोटे छोटे बेटा बात के गैमी बनते हैं, उसका नाम ही जेमा नहीं है, उसका नाम है गैमी। गैमी मतलब गैमेट लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो यही पैदा हो गया, लो ये पैदा हो गया, समझ पा रहे? ये है। अब यहाँ बेटा बात करें गुड़े छोटी छोटी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब मेन बॉडी से छोटी सी बॉडी को बेटा अलग कर देगा, समझ पा रहे? ये भी 2N, पूरी बॉडी 2N थी क्या? नहीं, N थी, तो ये भी N रहेगा। अब धीरे से क्या करेगा बेटा बात के स्ट्रक्चर को, जल्दी बोलो इसके अंदर कैसे पैदा होगी? इस बुढ़े बात करें जो इतना वाला स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं कप। कप मतलब
कौन लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर छोटे छोटे बेटा बात कर क्या करेगा अपनी बॉडी के साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियस को अलग करेगा, इनको अपन बेटा बोलते हैं गैमी। क्या बोलते हैं? गैमी। गैमी एक को बोलते हैं गैमा, जिसको अपन बोलते हैं जैमा। जैमा बोलो या गैमा बोलो, जो भी आप पढ़ पा रहे हैं, गैमी बोलो या जैमी बोलो, जो भी आपको पढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है आप कैसा पढ़ना चाहते इसको, ठीक है। तो ये बेटा बात क्या हमारे पास हो जाएगा, जैमा या गैमा या गैमी या जैमा। डिवीजन होने के बाद ये क्या करेगा, बुढ़े बात करें बाहर बॉडी को रिलीज करेगा, दीदी बात करें, समझ पा रहे हैं। और इससे ही बेटा बात करें नहीं कि नहीं, क्या बन जाएगी हमारे पास, पूरी की पूरी गैमेटोफाइट बन जाएगी, मतलब ये पूरा थायराइड बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं, राइजोइड स्ट्रक्चर होते हैं, जो इसको जमीन से जोड़ने का काम करते हैं। तो एक छोटी सी बॉडी के पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, जैमा या गैमा। ये बात समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। एसेक्सुअल मतलब आलिंगिक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा बॉडी का वो पार्ट, जैसे पूरे गन्ने से हमने छोटे से गन्ने को एक नोड के साथ निकाल दिया, नोड जरूर चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये बेटा बात करे गैमा है, नाम दिया इसको मैंने जैमा, क्या है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पर है क्या ये बॉडी का छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट जिसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, जिसमें बुरे बात का पूरे के पूरे थायलॉइड को बनाने की क्षमता है, उसको अपन नाम यहां क्या देते, जैमा का बोलते। आपके एनसीईआरटी ने बुरे बात के इसको लिख रखा है, इसको बना रखा है, ठीक है। अगर अपन देखें बुरे बात करें, ये स्ट्रक्चर आप देखो इसको, ये बना रखा है गुड़े बात कर, देखो लिवर बर्ट में देख रहे हैं आपको, गुड़े बात कर, ये छोटा सा जैमा का बना रखा है, मतलब पूरी बॉडी, पूरी बॉडी कौन है ये, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में छोटे छोटे, इसको देखो आप इस पिक्चर में, अगर अपन देखें बेटा तो ये गुड़े बात करें छोटा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, देख रहे हैं आपको, ये गुड़े बात करें, इसको अपन बोलते हैं क्या, जैमा कप। तो जैमा कप बोलो या गैमा कप, जो भी आपको बोलना है, इसके अंदर गुड़े बात करें छोटे छोटे से क्या होंगे, जैमी या गैमी होंगे। और वो गुड़े बात करें क्या होते हैं कि जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है, बॉडी से बेटा बात के डिटैच होते हैं, अलग होते हैं, और गुड़े बात के फिर पूरी की पूरी बॉडी को बना देते हैं, इनको बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जैमा या गैमी गुड़े बात करें बॉडी पार्ट ही है छोटा सा, जिसके अंदर बेटा बात करें डिविजन करके पूरे थायरॉइड को बनाने की क्षमता होती है, इस उसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें। जैसे प्लांट के अंदर आपको बताया गुड़े बात, अगर मैं उसकी कोई भी मेस्टमेटिक एक सेल भी निकाल लूं, तो एक सेल में पूरे प्लांट बनाने की दम होती है। टोटिपोटेंशी के द्वारा अपन क्या करते हैं, सेल को कल्चर मीडियम में डालते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में, और बेटा बात कर वहां पे अपन कुछ हॉर्मोन्स, कुछ एंजाइम, कुछ फूड डाल देते हैं। हॉर्मोन जो बेटा बात करें सेल का डिवीजन करवाएं, एंजाइम जो बेटा बात करें सेल के डिवीजन में हेल्प करें, कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, हॉर्मोन डाल देते हैं, वो डिवीजन करवा देते हैं, और पूरे का पूरा एक सेल से पूरा का पूरा न्यू प्लांट, मतलब नया का नया प्लांट लेट बन जाता है, फिर नए प्लांट से पूरा का मतलब नए प्लांट लेट से पूरा नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसी एक सेल के अंदर ही पावर होती है डिवीजन की, ये प्लांट कैटेगरी है भाई साहब। तो प्लांट की हर एक सेल में नया का नया पूरी बॉडी बनाने की क्षमता होती है, और एक सेल के द्वारा पूरी बॉडी बनने की क्षमता को अपन बोलते हैं टोटिपोटेंसी सेल। तो उसने एक सेल को नाम दिया है जैमा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट। किसी भी गुड़े बात जैसे अपन बोल सकते हैं मार्केशिया की गुड़े बात करें आलैंगिक प्रजनन इकाई जो है, जिसमें गुड़े बात के पूरी थायरॉइड बॉडी को बनाने की क्षमता है, उसका नाम होता है क्या, जैमा। जो गुड़े बात के कप लाइक स्ट्रक्चर में होता है उसको बोलते हैं जैमा कप। तो जैमा कप दीदी बात करें वो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बेटा बात के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं जल्दी बताओ, गैमी, मतलब गैमी या जैमी बनते पूरे एसेक्सुअल, समझ पा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है। तो बस इतना जरूर याद रखना कि मार्केशिया में ये गुड़े बात की जरा देखो, मार्केशिया की बॉडी देख रही, ये फीमेल बॉडी है मार्केशिया जिसके ऊपर आर्किगोनियम है, ये गुड़े बात कर पता है, ये बेटा बात का हमारे पास क्या है, मेल थैलस है, मतलब मेल बॉडी है जिसके ऊपर क्या पैदा हो रहा है बेटा बात जल्दी बताओ, गुड़े मेल, जल्दी बोलो, मेल गुड़े बात के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा गुड़े बात करें एन3DO4 बोला इसको, क्या बोला बेटा बात करें जल्दी बोलो, क्या बोला, एंथ्रीडियम या फिर एंथ्रीडियो 4। और गुड़े बात कर बताए, ये गुड़े बात कर क्या है, आर्किगोनियो 4 दिखना दीदी बात कर बताए, देखो तुम नीचे स्ट्रक्चर आपको दोनों के दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है, एक जैसे स्ट्रक्चर है गुड़े बात कर, दिख रहा है, हाँ गुड़े बात कर, राइजोइड भी देखो नीचे बॉडी में बना रखा है, जो गुड़े इसको सबसे से जोड़ने में हेल्प करेंगे पूरे थैलस को, गैमेटोफाइट को, उसके ऊपर गुड़े छोटे छोटे हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं गैमा कप, जिनको अपन जिनके अंदर बेटा गैमी है जैमी है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। साथ में गुड़े बात करें वो सेक्स ऑर्गन जिनके अंदर गुड़े गैमिट है, आर्किगोनियो 4 और एंथ्रीडियो 4, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम गुड़े बात करें। अच्छा जिसमें देखो दीदी बात करें, इसमें से लिखा है आगे वाले को लिखा उसने फीमेल, पीछे वाले को मेल, अगर पेपर में कभी आ गया तो कैसे पहचानोगे बेटा कौन मेल है कौन फीमेल, जिसमें चोटियां बनी है देखो ऊपर आर्किगोनियो 4 में, जो गुड़े फूल बन रखा है वो सनफ्लावर की जैसे दिख रहा है, छोटी छोटी चोटियां बना रखी है, और एंथ्रीडियो 4 में गुड़े देखो पूरा झवरा टाइप का बना रखा है, मतलब पूरे में एक ही स्ट्रक्चर बना रखा है, वो छोटी छोटी चोटियां नहीं बनाई। तो ऐसे समझ लेना जिसकी चोटियां बनी हैं बालों की वो फीमेल है, और जिसमें बाल बिखरे हुए हैं वो झवरा टाइप का कौन है, वो मेल है,
क्योंकि मेल के अंदर बालों की कभी भी चोटियां नहीं बनती, और मेल की चोटियां नहीं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि आजकल मेल भी चोटियां बना के घूम रहे बिल्कुल बुढ़े बात करें, तो ये देख लेना बेटा बात कर आगे वाला, ये आपको इसी को देख के मिलेगा पता, इसको देख के, क्योंकि ये तो लिखेगा नहीं बुक N324 है, R4 है, ये तो तुम अगर लिख दिया तो हर कोई पहचान जाएगा। सीधी बात यहाँ बनाएगा दीदी बात करिए, चोटी लाइक स्ट्रक्चर तो समझ जाना है, चोटी मतलब दीदी, R4 है, और अगर बाल कैसे हैं खुले हुए झबरे तो मतलब कौन है N324 है, ये बात आपको समझना पड़ेगा बेटा बात करें। चलो बुढ़े बात कर नेक्स्ट वाले पॉइंट पर थे, अच्छा स्पोरोफाइट नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बेटा बात के, इसमें फ्रेगमेंटेशन और गुडिया गैमिट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेबर बर्ड के अंदर, लेबर बर्ड मतलब मार्केशिया। दूसरा पॉइंट लिखा है गुड़िया स्पोरोफाइट डिवाइड होती बेटा तीन पार्ट में, स्पोरोफाइट तीन पार्ट में डिवाइड हो रही, वो कौन कौन से, फुट सीटा कैप्सूल, और कैप्सूल लिखा है बेटा आगे क्या लिखा है, प्रोड्यूस स्पोर बेटा बात कर रहे हैं इन कैप्सूल लिखा है ना, प्रोड्यूस स्पोर किसके द्वारा बेटा बात करें बताओ, स्पोर के अंदर कौन मिलेगा, स्पोर मदर सेल, तो स्पोर मदर सेल में गुड़िया बात कर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और फिर गुड़िया बात कर क्या बनेंगे कैप्सूल। तो अगर लिखा पॉइंट आपको खुद मेंशन करना है तो वो कर लो, क्योंकि मेरा काम दीदी बात कर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना, ठीक है। तो खैर हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पूरा जो जरूरत था, पर फिर भी आपको चाहिए तो आप समझ जाना, स्पोर बनता ही कहाँ से, स्पोर मदर सेल में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा की मियोसिस, मियोसिस स्पोर कैप्सूल के अंदर जो सेल है उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल कैसे होती है डिप्लॉयड, क्योंकि स्पोरोफाइट की सेल है वो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, मियोसिस करना है, तो बोल देना कि प्रोड्यूस स्पोर पूरे बात का समझ पा रहे बाय द मियोसिस डिवीजन इन बेटा बात करें स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा। अच्छा नेक्स्ट बुढ़े बात करें, अभी देखो अगले वाले पेज को पलटाओ बेटा बात करें, तो ये वाला पेज अपना कंप्लीट होता है पूरा। अब अगले वाले पेज पर आते हैं, अगले वाले पेज पर आओ बुढ़े बात करें, तो आपको ये बॉडी बना रखी है, आपको देखो बेटा ये बॉडी बनी बुढ़िया की नहीं बनी, देखो ये वाली बॉडी क्या लिखा है, कैप्सूल, कैप्सूल ने दीदी पूरे स्ट्रक्चर बना रखा है, मैंने एक सेल को क्या बोला है देखो स्पोर मदर सेल लिखा है, 2N क्या लिखा है, SMC SMM लिखा है क्या, SMM नहीं लिखा है बेकूफ, SMC लिखा है, समझ पा रहे क्या लिखा है, स्पोर मदर सेल के अंदर क्या लिखा है, मियोसिस, मियोसिस किया तो क्या बने बेटा बात करें, चार हैप्लॉइड स्पोर लिख रखे हैं, स्पोर बना, स्पोर क्या है, NN मतलब हैप्लॉइड बना रखे, ये कहां पर हो रहा है, कैप्सूल में कि फुट में कि सीटा में, कैप्सूल देखो बगल में लिख रखा है उसका कैप्सूल, ये कैप्सूल ऐसा लिख रखा है, ये क्या है बेटा बात करें कैप्सूल, और फिर गुड़िया ये क्या फुट नहीं ये सीटा और ये क्या फुट, तो लिखा है, और दो तीनों को एक साथ क्या बोला अपन ने, स्पोरोफाइट, क्या बोला है, और स्पोरोफाइट गुड़िया बात करें समझ पा रहे, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या पैदा करता है, तो गुड़िया बात करें देखो लिख रखा नीचे, स्पोरोफाइट क्या करता है, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, ऐसा नीचे एरो मार रखा बेटा बात करें, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस बेटा बात करें क्या, स्पोर, जो मैंने यहां बता रखी है आपको, स्पोरोफाइट क्या पैदा करता है, स्पोर पैदा करता है, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और स्पोर दीदी क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट, तो दीदी गैमेटोफाइट, यहां पर गैमेटोफाइट को कुछ इस तरीके से बता रखा बेटा कि देखो ये दीदी बात क्या पूरा क्या हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, ये है आपका गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में क्या है, रूट नहीं है, राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक गुड़िया बात करें स्टेम स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर बना रखे, और उनके ऊपर किसको बता रखा है, देखो स्पोरोफाइट को लगा रखा है, तो ऐसे बना रखा है बेटा बात करें कि ये गुड़िया बात का हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये गुड़िया रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड है, इसके ऊपर बेटा ये छोटे छोटे देखो लीफ नहीं है, लीफ लाइक गुड़िया बात का स्ट्रक्चर अरेंज है, समझ पा रहे, ये आपको लीफ दिख रहे हो, लीफ नहीं है, लीफ लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, ऐसे पूरे बात करें, इसको रिप्रेजेंट किया बेटा बात करें मैंने किससे, गैमेटोफाइटा से, तो ये गुड़े बात करें राइजोइड है, ये गुड़े बात करें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये गुड़े बात क्या पता लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और बेटा बात करें इनके ऊपर किसको बना रखा अपने, ये पूरा क्या है, ये गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के ऊपर बना रखा बेटा स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट जिसमें क्या आता है, कैप्सूल क्या आता है, फुट की सीटा, सीटा कैप्सूल सीटा, और गुड़े क्या आता है, फुट, तो इस तरीके से बना रखा है, तो बेटा गैमेटोफाइट में कौन रहता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, ऐसे बता रखा है, कैसे भी करो बस आपको याद रह जाए पिक्चर कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है अपने खाने के लिए और रहने के लिए। दूसरा लिखा बेटा बात में बगल में एक लाइन लिखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बुढ़े बात करें समझ पा रहे इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, बुढ़े बात करें किस टाइप का है बताइए, ओगैमस टाइप का, ओगैमस मतलब बड़ा मेल गैमेट की छोटा है, छोटा छोटा दीदी बात करें फीमेल गैमेट मतलब मेल गैमेट मोटाइल है, और बड़ा बेटा बात करें नॉन मोटाइल क्या है, मेल गैमेट है, ठीक है, इसको मैंने ओगैमस पढ़ा था, अभी तो पढ़ा आपने एलगी में तीनों मिलते हैं, आइशोगैमस एनाइशोगैमस ओगैमस, और बुढ़े बात करें यहाँ पर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइटा में कौन सा रिप्रोडक्शन मिलेगा, आइशोगैमस नहीं मिलता है, एनाइशोगैमस नहीं मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ओगैमस मिलेगा, ओगैमस का मतलब मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट और लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, बुढ़े बात करिए कंडीशन याद रखना।
तो बेटा बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ब्रायोफाइट एरियोफाइट में अंडरलाइन कर लेना बेटा ऊगेमस, क्योंकि वहां मैंने अंडरलाइन तो बहुत अलग पेन से लिखा था, ब्लैक कलर की पेन से, पर आपको मिला ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, तो उसको थोड़ा कवर अंडरलाइन करते जाओ, है ना, कि उसमें अगर मैंने कोई चीज लिखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रायोफाइट एरियोफाइट दीदी बात के याद नहीं होगा, अदरवाइज अभी मैं पूछते तो आपको तकलीफ आ जाती, लेकिन अब तकलीफ नहीं आएगी, आपको समझ में आ रहा है कि गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट याद हुआ कि नहीं हुआ, पूछता हूं मैं अभी, ठीक है। अच्छा लिखा आगे गुड़े बात कर, स्पोर आर, देखो उसके नीचे स्पोर आर फॉर्म इन गुड़े कैप्सूल आफ्टर मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। मैंने सब चीजें लिखने की कोशिश की है, एक और लाइन नीचे लिख रखी है, ब्रायोफाइटा एल्गी एंटेरिडोफाइटा आर डिपेंड ऑन बेटा बात के वाटर फॉर बेटा बात के देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा एल्गी और टेरिडोफाइटा या एल्गी ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा ऑल आर बेटा बात के डिपेंड ऑन वाटर फॉर बेटा देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल नहीं सेक्सुअल। अब बुरी बात करें यहां पूरा खत्म हो जाता है क्या बेटा बात करें, लिवर वर्ट। अब आते हैं मॉस में, मॉस में दीदी बात करें क्या कर रखा है इसने, मॉस में कुछ भी नहीं कर रखा है बुरी बात करें। अच्छा मॉस में क्या होता है तो वो भी मॉस, बुरी बात करें क्या ब्रायोफाइटा, मॉस में अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो उसके अंदर भी उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसे होगी बेटा बात करें, हैप्लोइड गैमेटोफाइट होगी, स्पोरोफाइट होगी, सब कुछ है बुरी बात करें, लेकिन कुछ तरीका बेटा बात करें अलग है पैदा होने का, ठीक है। कैसे बनाए, कुछ ऐसे बनाते हैं, आप देखो गुड़े बात के मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, अगर आप देखो इसको स्पोर, ये पहले अपने स्पोरोफाइट से स्पोर बना दिया, पर स्पोर से गुड़े बात करें गैमेटोफाइट कैसे बनता है, स्पोर से स्पोरोफाइट का दीदी बात करें स्पोर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्पोर पहले जर्मिनेट होगा और बनेगा मैडम बात करें क्या, स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो पहला बनेगा बेटा बात इसके अंदर क्या, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा गुड़े बात करें ब्रांच थायलॉइड फोटोसिनेटिक बुरे बात करें क्रीपर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बेटा बात करें क्या होता है उसकी ब्रांचें बनती है जिसको बुरे अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर ब्रांचें बनती है तो उसको बुरे बात करें लीफी स्टेज आती है, और लीफी स्टेज बुरे बात करें के अंदर बेटा बात करें अगर देखें अपन तो क्या बनेगी, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मतलब यहां पर अगर अपन बात करें किसकी, मोसिस की, तो मोसिस के अंदर जो उसका गैमेटोफाइट होता है वो दो स्टेज में रहेगा, एक तो प्रोटोनिमा और दूसरा बुरे बात करें क्या होगा बेटा बात करें लीफी स्टेज। जैसे आपने देखा लिवर बर्ड के अंदर गैमेटोफाइट एक ही स्टेज में सीधा गैमेटोफाइट ही है, बॉडी ये थायरॉइड है, लेकिन मोसिस में ऐसा नहीं है। मोसिस में क्या होगा बेटू, ये कंडीशन देखो लो एक बार, मोसिस के अंदर अगर मेरे पास थोड़ी मैं जगह बनाने की कोशिश करूं तो बुरे बात के कुछ ऐसी जगह है, ठीक है, इसको संभाल लेना है थोड़ा, कभी टाइम लगे तो अंदर की तब खसका दो इसको बजाय। तो जैसे आपने कहा थी स्पोर बना, स्पोरोफाइट ने क्या बनाया, स्पोर, आपने क्या बनाया गुड़िया, देखो गैमेटोफाइट के अंदर क्या बना गुड़िया बात करें स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब कैप्सूल सीटा फुट। अब कैप्सूल के अंदर क्या पैदा होगा, जल्दी बोलो कैप्सूल में क्या पैदा होगा, स्पोर। तो फिर स्पोर अगर मैच्योर हो गया तो अब बताओ अगर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रही है तो फिर स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट पर डिपेंड है इसका भी तो काम है कि भाई साहब अब स्पोर नया गैमेटोफाइट बनाओ। गैमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट को क्यों पाला, इसलिए नहीं कि तुम स्पोरोफाइट हो, इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर मेरी औलाद पैदा होनी है। गैमेटोफाइट को पैदा कौन कर सकता है, स्पोर, और स्पोर गुड़े बात कर पता कहां पैदा होता है, स्पोरोफाइट में। गैमेटोफाइट को कोई दीदी बात कर पता है फ्री फोकट मजे नहीं आ रहे थे कि खाना खुद बनाओ स्पोरोफाइट को खिलाए, इसलिए पाल रखा है कि तुमसे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। गैमेटोफाइट बनेगा स्पोर से और स्पोर बनेगा दीदी बात कर स्पोरोफाइट में, तो स्पोरोफाइट को इसलिए अपने अंदर उसको रखना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्पोरोफाइट बना लिया उसने तो स्पोरोफाइट कैप्सूल में क्या बनेगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो स्पोरोफाइट कैप्सूल में बनेगा स्पोर। अब स्पोर अगर बन गया, स्पोर बन गया, बनाना वैसे ही है गुड़े बात करें क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर दीदी बात करें क्या मिलेगी, स्पोर मदर सेल, और स्पोर बेटा बात का मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस। तो गुड़े बात करें क्या पैदा हो जाएगा बेटा बात करें, स्पोर मदर सेल मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेंगे। स्पोर कभी तो मैच्योर होंगे, हाँ हो गया सर मैच्योर। अगर ये आपका स्पोर मैच्योर हो गया, स्पोर जो कि हैप्लोइड है, तो बुढ़े इसके अंदर क्या होगा बेटा बात करें, अब होगा माइटोसिस। माइटोसिस अब स्पोर क्या बनाने जा रहा है, गैमेटोफाइट। लेकिन बुढ़े याद रखना बेटू बात करें किसकी, मोसिस की। मोसिस के अंदर, मोस के अंदर जो बेटा उसका गैमेटोफाइट होता है कौन होता है, गैमेटोफाइट। मोस के अंदर जो बुढ़े बात करें उसकी मेन प्लांट बॉडी है, क्या है मेन प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। मोस है तो ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट को यहां दीदी बात कर रिप्रेजेंट करने की दो स्टेज है। पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनिमा, क्या नाम है बेटा बात करें, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा ये याद रखना, ब्रायोफाइटा के अंदर जो मोस है, मोस की जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट ही है,
पर इसमें दो स्टेज बुढ़े बात के होती है, मतलब गैमेटोफाइट दो स्टेजों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली स्टेज जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोनिमा, और दूसरी स्टेज का नाम है बेटा बात कर रहा है, सेकंड स्टेज का नाम है लीफी स्टेज। क्या नाम है जल्दी बोलो? लीफी स्टेज, बुढ़े बात करें पत्ती के समान स्टेज, लीफी स्टेज बुढ़े बात करें। प्रोटोनिमा क्या होता है बेटा बात करें? प्रोटोनिमा बुढ़े बात करें मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ब्रांच्ड, और कैसा होता बेटा बात करें हमारे पास बुढ़े बात करें? क्रीपिंग, और साथ में क्या होता बेटा बात करें? फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब फिलामेंट जैसा है, मतलब स्पोर के दीदी बात में जब जर्मिनेशन होगा तो पहले जो गैमेटोफाइट की बॉडी बनेगी वो बनेगी ऐसी। कैसा है ये बुढ़े बात करें? छोटा सा बुढ़े बात करें ब्रांच स्ट्रक्चर, स्पोर ये बना पहला प्राइमरी प्रोटोनिमा। लेकिन प्राइमरी प्रोटोनिमा में बुढ़े बात करें क्या है? ब्रांचिंग है, ठीक है बुढ़े बात की। इसकी कोई ब्रांच बेटा बात करें क्या कर सकती है? डिवीजन करके बुढ़े बात करें सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बना सकती है। बुढ़े बात करें ये कैसा जुड़ा हुआ है? ये ऐसा नहीं कि ऊपर इरेक्ट है, ये ऐसा जमीन के ऊपर ऐसा चिपका हुआ है। फिर इसके बुढ़े बात करें ऊपर इसकी ब्रांच निकल रही ऊपर की तरफ, या फिर लेटरली निकाल दो बुढ़े बात के ब्रांच, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं है, ये बगल में है। जैसे ये मेन बुढ़े बात का हमारे पास क्या है? प्रोटोनिमा है, प्राइम प्रोटोनिमा। इसकी ब्रांचिंग से बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बस समझ में आ रही नहीं यार? ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये बुढ़े बात का हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है? फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट की तरह, मतलब धागे की तरह, ठीक है। बुढ़े बात जो अपने एल्गी वो फंगाई के अंदर हाई भी पड़ गया है, वैसा स्ट्रक्चर। पर ये ब्रांच्ड है, ब्रांच बुढ़े बात कर रहे हैं फिलामेंटस है, आपने कहा ब्रांच है। फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस क्रीपर है, क्रीपर मतलब चिपका रहता है बुढ़े बात करें, ठीक है। और कैसा है बुढ़े बात का? मल्टी सेलुलर दिख ही रहा है आपको बेटा बात करें। इसकी ब्रांच है, समझ पा रहे? बहुत सारे ऐसे बुढ़े बात करें सेकेंडरी प्रोटोनिमा होंगे, मैंने बस बेटा आपको दो ही बनाया। ये है प्राइमरी प्रोटोनिमा। कौन है बेटा ये? प्राइमरी प्रोटोनिमा। कौन सा प्रोटोनिमा है ये? ये है प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा भी दो है, हाँ बिल्कुल। जो सबसे पहले बना वो है बेटा बात करें क्या? प्राइमरी, प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी की ब्रांचिंग से जो बना उसको बोलेंगे क्या? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। वो दीदी वैसे ही कहानी है कि याद है मैंने आपको बताया था बेटा बात के बीच के बारे में, सीड के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल बुढ़े बात करें और प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से क्या बनता है बेटा बात करें? स्टेम बनता है। और बेटा रेडिकल से क्या बनता है? टैप रूट। टैप की जो पहली रूट बनी उसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग को बोलते सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट की ब्रांचिंग को बोलेंगे टर्शियरी रूट। टर्शियरी रूट से भी अगर ब्रांच निकले तो बोलेंगे क्वार्टरनरी रूट। मतलब इस तरीके से क्या आएगा पूरा रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट की ब्रांचिंग टर्शियरी रूट, क्वार्टरनरी रूट, और सबको बोलते हैं अपन क्या? रूट सिस्टम। तो वैसे ही बात करें जो स्पोर से बने वो तो है बेटा बात करें प्राइमरी प्रोटोनिमा, मतलब प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा अगर मैं बोलूं तो प्राइमरी समझोगे आप, लेकिन प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो ब्रांचें हैं वो कहलाएंगी बेटा बात करें क्या? सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बुढ़े बात करें क्या होती है बेटा बात करें? इरेक्ट कंडीशन में, मल्टी सेलुलर कंडीशन में बुढ़े बात करें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। बुढ़े बात करें क्या दिखेंगे जल्दी बताओ बेटा बात करें? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। बात समझ पा रहे? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इनको अपन बोलते बुढ़े बात करें क्या? लीफ स्टेज। क्या बोलते जल्दी बोलो? लीफ स्टेज। बात समझ में आ रहे? ये गुड़े बात का लेटरली अरेंज होती है बेटा इसके ऊपर। तो इन गुड़े बात का ये प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये सेकेंडरी, ये प्रोटोनिमा है। लेकिन प्रोटोनिमा के अंदर वो स्ट्रक्चर जहां सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये लीफ जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको अपन ने बोल दिया क्या? लीफ स्टेज। लीफी स्टेज गुड़े बात करें वो प्रोटोनिमा का पार्ट है जहां बेटा बात करें क्या पैदा होते हैं? सेक्स ऑर्गन। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। जैसे बुढ़े बात करें एंथेरिडियम या फिर आर्किगोनियम। जल्दी बोलो, एंथेरिडियम या फिर आर्किगोनियम बुढ़े बात करें ये पैदा होते हैं। इन्हीं से बुढ़े बात करें छोटे छोटे क्या निकले होते हैं बेटा बात करें बताओ? इनसे छोटे छोटे बुढ़े बात क्या निकले होते हैं? राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि लेटे कहां पर है? जमीन में, बस लेटरल में निकलती जा रही है। हाँ दीदी हो सकता है इरेक्ट कुछ पार्ट डेवलप हो जाए, तो बेटा बात करें क्या मिलेगा यहां से आपको? क्या दिखेगा जल्दी बोलो? राइजॉइड जैसा स्ट्रक्चर भी तो मिलेगा जो बुढ़े बात करें क्या करेगा? इसको जमीन में जोड़ने का काम करेगा और वाटर मिनरल्स को क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा, ठीक है। तो ऐसा दीदी बात का स्ट्रक्चर है। ये है बेटा बात करें गैमेटोफाइट। जो आपको इतना प्यारा सा गैमेटोफाइट दिखाया ना, ये तो मैंने दिखाया बुढ़े बात का था कि सुंदर आपको याद हो जाए। थायरॉइड बॉडी है बुढ़े बात करें, ये ऐसे सेक्स ऑर्गन होते हैं। पूरी ईयर में सेक्स ऑर्गन कहां पर है? इन पर है, लीफ स्टेज पर। लेकिन लीफ स्टेज क्या क्यों बोला इसको अपने? क्योंकि ये बुढ़े बात क्या पता है जो मेन बॉडी है गैमेटोफाइट की वो कहलाती है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा कैसा होता है? ब्रांचिंग मल्टी सेलुलर बुढ़े बात करें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। आपने अभी तो कहा था जो गैमेटोफाइट होता है ब्रायोफाइटा का वो फ्री लिविंग है, वो फोटोसिंथेटिक है, वो डोमिनेंट है, वो बुढ़े बात का थायरॉइड है, वो राइजॉइड से बुढ़े बात के जमीन से जुड़ा होता है, यही है।
और इसकी जो ब्रांचिंग है वो कह रहा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर पूरे बात कर रहे हैं वो जगह है, वो साइट जहां सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडोमार्की गोनियम पैदा करते हैं उसको अपन बोलते हैं लीफी स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? लीफी स्टेज। तो पूरे बात करें ऐसे कहा कि गैमेटोफाइट है, ये पूरा गैमेटोफाइट है, बस में दो स्टेज देखने को मिलेंगे, एक तो फिलामेंट स्ट्रक्चर जिसको प्रोटोनिमा बोलते हैं, पूरे बात कर फिर इसकी ब्रांचिंग को अपन सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर आती है लीफी स्टेज, याद रखना, कभी भी प्राइमरी प्रोटोनिमा पर लीफी स्टेज नहीं आएगी। दीदी बात करें बोलेगा तुमसे बार बार, याद रखना लीफ स्टेज कहां पर आएगी बेटा बात करें? सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर पैदा होती है। और बुरी बात करें हमारे पास लीफ स्टेज क्या होती है? जिसके ऊपर बेटा बात करें क्या पैदा होते हैं? सेक्स ऑर्गन। क्या पैदा होते हैं? सेक्स ऑर्गन, लैंगिक अंग पैदा होते हैं, जैसे बुरे बात करें एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, ये याद रखना। अब आपने बेटा पिक्चर देख लिया तो आपको सीधा याद हो गया, ओ मतलब गैमेटोफाइट मुझे स्पोर से बनाना है, स्पोर से गैमेटोफाइट तो बना दूंगा, वो तो अपन को रट जाता, लेकिन कैसे? पहले बनेगा क्या? प्राइमरी प्रोटोनिमा जो एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है, इसकी ब्रांचिंग को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। उस पर आती है गुड़े बात करें क्या मेरे सेक्स ऑर्गन बियर करने वाले, गुड़े बात करें क्या लीफी स्टेज, मतलब लीफ जैसा पार्ट, तो लीफी स्टेज गुड़े बात करें जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, साथ में इनमें गुड़े बात करें पत्तियां, मतलब वो राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो गुड़े बात करें जमीन से जुड़े रहते हैं, लीफी स्टेज है पूरे बात करें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस तो पूरी बॉडी करती है, समझ पा रहे पूरी बॉडी। तो पूरे बात करें आपको ये बेटा बात कर समझ में आ गया होगा, मैंने पूरे बात कर वही लिखा है। मोसिस के अंदर देखें स्पोर जर्मिनेट किया, पहले प्रोटोनिमा बना प्राइमरी, उसकी ब्रांचिंग को अपने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोला। दीदी बात कर सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर लीफी स्टेज आया, एक देखो मैंने पत्ती में लिखा है बेटा क्या लीफी स्टेज, फिर दूसरी पत्ती में नीचे लिख रखा है गुड़े सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहा है। सेक्स ऑर्गन कौन कौन से? तो इस तरफ की पत्ती में बना रखा है मैंने, क्या बना रखा है मैडम? यहां बना रखा है गुड़े बात करें एंथेरिडियम, और यहां बना रखा है क्या आर्किगोनियम। यहां क्या बना रखा है? एंथेरिडियम। यहां क्या बना रखा है? आर्किगोनियम। ये याद रखना, बात समझ में आ रहा है? एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। पर ये है कहां पे? ये कौन है पूरा? लीफ स्टेज क्या है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है? प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या है? सब कुछ क्या है? ये है गैमेटोफाइट। क्या है ये पूरा? गैमेटोफाइट। बुरे बात क्यों? गैमेटोफाइट भी तो सेक्स ऑर्गन पैदा होते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, ये रियल फॉर्म है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी जो थ्योरी बोली उसी के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ कर दिया रफ डायग्राम, ठीक है। बुरे बात कर अच्छा एक चीज और लिखी थी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में, जैसे मार्किन से हम तुझे बताया था कि भाई साहब ये गैमेटोफाइट की छोटे छोटे स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? जेमा कब, उन छोटे छोटे बुरे बात कर उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है सेक्स, उनको बोला था अपने स्पोर नहीं, उनको अपने बोला था यहाँ पे गैमी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तुमने एल्गी में क्या बोला था? स्पोर, जू स्पोर, और यहां उनको क्या बोला अपन ने? गैमी। वैसे ही दीदी बात करें अगर अपन यहां बात करें किसके अंदर? मॉस के अंदर, तो मॉस के अंदर गुड़े बात करें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा को तुम तोड़ते जाओ गुड़े बात कर, उसके छोटे छोटे पार्ट अलग होते जाएंगे और नया दीदी गैमेटोफाइट बनाते जाएंगे। एक तरफ बन रहा है स्पोर से, स्पोर से बन रहा है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन अगर गुड़े बात की मेरी बॉडी का छोटा पार्ट टूट जाए और फिर से वो नई की नई गैमेटोफाइट बनाने लगे तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बात समझ में आ रहा है? एक तरफ है कि बीज से कोई चीज उगाना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक तरफ है उसी की ब्रांच को गुड़े, एक गुलाब मुझे पैदा करना बीज बो दो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पैदा होगा। लेकिन अगर गुड़े बात करें मैं किसी ब्रांच की छोटी सी टहनी को अपने घर में लगा लूं वो अपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नया गुलाब को पैदा कर लिया, तो इसमें तुम्हें दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो इसमें लिखा है सेकेंडरी प्रोटोनिमा में सेक्सुअल, गुड़े सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखो लिखा आगे वो सेक्सुअल नहीं है वो सेकेंडरी है, एसपी मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर वेजिटेटिव गुड़े बात कर रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा? बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग मतलब, बड़े मतलब क्या होता है? छोटी सी गुड़े बात कर बड़ के फॉर्म में बॉडी पार्ट से छोटे से पार्ट का अलग हो जाना, ये अलग हो गया ये पूरी की पूरी बॉडी बना देगा। यह है एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इतना देखो बडिंग में छोटा पार्ट बाहर निकलता है और फ्रेगमेंटेशन में बड़े बड़े पार्ट भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट एक काम एक ही है, बड़ बोलो या फ्रेगमेंटेशन है एक ही चीज, ठीक है फ्रेगमेंटेशन। तो याद रखना बुरे बात करें कि मॉस के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो या तो बेटा बात करें बडिंग के द्वारा होगा या फिर बुरे बात करें फ्रेगमेंटेशन। पर ये कहां मिलेगा आपको? प्राइमरी प्रोटोनिमा की सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में मिलेगा बुरे बात करें, ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट बुरे बात करें फिर जो फिगर वाली चीजें थी मैंने वो आपको बता रही फिगर में, फिर बेटा बात करें उसको थ्योरेटिकल भी लिख रखा है। मोसिस बुरे बात करें के अंदर जो प्रीडोमिनेंट स्टेज, मतलब जो बुरे डोमिनेंट स्टेज है प्रभावी अवस्था वो है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर दो चीजें हैं बुरे बात करें, फर्स्ट स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? प्रोटोनिमा। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा कैसा होता है बुरे बात करें? ग्रीन, ब्रांच, क्रीपर, फिलामेंटस और फोटोसिंथेटिक। बुरे बात करें नेक्स्ट लिखा है प्रोटोनिमा बुरे बात करें किसमें डेवलप होता है? प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। देखो दिख रहा होगा प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुआ? स्पोर से। स्पोर में डेवलपमेंट हुआ, माइटोसिस हुआ, डिवीजन हुआ और प्राइमरी प्रोटोनिमा बन गया। प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप्ड बुरे बात करें डेवलप्स
डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से बनता है। नेक्स्ट बुढ़े बात कर लाइन लिखिए नीचे बेटा, अच्छा बगल में चले जाओ, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज का नाम क्या है, लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो बुढ़िया है ये किससे डेवलप होती है, इट डेवलप फ्रॉम बेटा बात का सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। देखो दिख रहा है आपको, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बर्ड के रूप में बुढ़िया बात का लीफी स्टेज का ओरिजन हुआ है। पूरे बात करें तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बर्ड के फॉर्म में। नेक्स्ट देखा है जो लीफी स्टेज होती है वो ब्रांच होती है पूरे बात का, अटैच होती है बेटा बात करें किसके द्वारा, राइजॉइड से पूरे बात करें, स्ट्रेटम से। इसको मैंने और ब्रांच बनाया नहीं थी, बात करें काफी तो ब्रांच ही ब्रांच हो जाएगा अदरवाइज। आप चाहो कि नहीं ब्रांच बनाना है तो ठीक है इसको बना दो, लो भैया ये ब्रांच होगी, ठीक है लो ये ब्रांच होगी, ये ब्रांच बना दी मैंने, लो ब्रांच है। क्या करना है, ब्रांच बनाना बहुत बड़ा काम है क्या, लो ब्रांच अपने बता दी कि लीफी स्टेज ब्रांच होती है। ठीक है आगे वाले पॉइंट पर जाते हैं, दीदी बात करें क्या लिखा है बेटा बात करें नीचे लीफी स्टेज में, लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। लीफी स्टेज पर क्या है मैडम, सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा में मॉस के अंदर सेक्स ऑर्गन कहां होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा की सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी, कहां होते हैं लीफी स्टेज पर होते हैं। और लीफी स्टेज किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनती है। तो लीफी स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन बुढ़े बात करें मतलब लीफी स्टेज में बुढ़े बात कर लेंगे अंग होते हैं। लेंगे अंग सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, एंथेरिडियम आर्किगोनियम, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। फिर नीचे देखो एरो लिख रखा है, एंथेरिडियम से क्या बना रहे बुढ़े बात करें, एंथेरोजॉइट उसको लिख देना मेल गैमेट, और नीचे गुड़े आर्किगोनियम नीचे लिखा है छोटा सा एग, एग मतलब क्या है ये फीमेल गैमेट, तो गैमेट ही बना दिए बुढ़े बात करें। बगल में देखो बुढ़े बात करें एक और लाइन लिखिए, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट बुढ़े बात करें देन दैट इन बेटा बात कर लिवर वर्ट। क्या लिखा है बुढ़े बात करें, कितनी प्यारी चीज लिखी है, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट बुढ़े बात कर मतलब मोसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, मोर बुढ़े बात कर डिफरेंशिएट होता है, मोर डेवलप्ड होता है, मतलब लिवर बर्ड से ज्यादा एडवांस कौन है, मोसिस। अगर अपन बात करें ब्रायोफाइट बुढ़े बात करें अपने आप में बुढ़े बात करें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है मतलब प्लांट की बुढ़े बात करें कैटेगरी है, लेकिन इसके भी दो बुढ़े डिवीजन पड़े आपने, एक तो लिवर बर्ड एक मॉस। अगर कोई पूछे बेटा बात करें मॉस लिवर बर्ड ज्यादा डेवलप कौन है, तो याद रखना बेटा बात करें मोसिस लिवर बर्ड से ज्यादा डेवलप्ड है, मॉस में स्पोरोफाइट लिवर बर्ड की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। आपको पता है दीदी क्यों, क्योंकि जिनके अंदर स्पोरोफाइट डेवलप होता जाएगा वो ज्यादा डेवलप होंगे। आपको पता है आगे टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट नहीं रहेगी, अब हो जाएगी स्पोरोफाइट। और फिर गुड़े बात करें जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी कौन होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो सीधी बात है कि जिसके अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप वो ज्यादा गुड़े बात का डेवलप है। ठीक है ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है। ठीक है यहां पूरा होता है अपना क्या, ब्रायोफाइटा।